एंड व्हाट इज अप माय नट सम्राटियंस आणि कसं काय माझ्या मित्रांनो. दोस्तों आज है साल का आखिरी दिन. टुडे इज 31st December 2021. एंड दोस्तों आपको पता है कि मैं अलग अलग किस्म के व्लॉग्स बनाता हूँ और आपने ये भी देखा होगा दोस्तों कि मैंने कुछ कुकिंग के व्लॉग्स भी बनाए थे. सो क्यों ना आज इस आखिरी दिन में हम एक कुकिंग व्लॉग भी बनाए दोस्तों. सो आज मैं पेश करने जा रहा हूँ दोस्तों आपको सुक्का चिकन. नाम है सब कुछ है किंग ऑफ आला. सो दोस्तों सूखा चिकन बनाने के लिए जो सामग्री लगने वाले हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ. सो पहले मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने ये आधा किलो का चिकन लिया है दोस्तों. दिस इज हाफ केजी ऑफ चिकन. दोस्तों हम इसमें हरा मसाला भी बनाएंगे, ग्रीन मसाला. तो उसके लिए मैंने कोथिंबीर को हिंदी में धनिया, कोथिंबीर को लास्ट टाइम हिंदी में क्या बोलता, कोथिंबीर दोस्तों इसको मराठी में दोस्तों कोथिंबीर बोलते हैं. इसको देखो ये कोथिंबीर है, कोथिंबीर को धनिया बोलते हैं ना, कोथिंबीर. और फिर छोटा सा मैंने अदरक लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं अदरक है. और मैंने 3 मिर्ची लिए ग्रीन चिलीज. तो इसको मैं क्या करूंगा, मिक्सर में इसको मैं ग्राइंड करूंगा और इसका मैं ग्रीन मसाला बनूंगा. हरा मसाला, हिरवा मसाला में है जो तुम बना रहा है मित्रांनो. गरम मसाला, ये जो मैंने गरम मसाला भी यहाँ पे लिया दोस्तों, गरम मसाला है यहाँ पे. देन लाल मसाला, इट इज मालवनी मसाला जो हम शॉप से लेते हैं दोस्तों. ये घर पे मैंने बनाया नहीं है, इसमें आप आपका होममेड मसाला भी यूज कर सकते हैं, बट हम लोग तो शॉप से लाते हैं लाल मसाला, मालवनी मसाला. और ये है गरम मसाला दोस्तों, यू कैन सी दिस, दिस इज गरम मसाला. यू विल ऑल्सो नीड दोस्तों कश्मीरी मसाला, तो वो भी मैंने ला के रखा है. कितना क्वांटिटी लगे, क्या लगे वो आपको मैं बाद में बताऊंगा इन द नेक्स्ट प्रोसीजर. सो गाइस पहले हमें क्या करना है, चिकन को हमें क्लीन करके लेना है. तो ये मैंने ऑलरेडी चिकन को मैंने दोस्तों क्लीन करके लिया है. इसको मैंने धोया अच्छे खासा अपने पवित्र हाथों से दोस्तों, मैंने अपने पवित्र हाथों से इसे धोया है. देखिए इसमें कुछ दोस्तों अपवित्र चीज कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. और हाँ दोस्तों इसके लिए लहसुन भी लगेगा. तो गाइस दिस इज लहसुन, गार्लिक. इसको हमको स्मैश करना है, इसको हमको चेचना है, चेचना. अगेन गाइस चेचना इज अ मराठी वर्ड. चेचना मतलब इसको हम चेचेंगे, मराठी में चेचेंगे बोलेंगे ना. इसको हम स्मैश करेंगे दोस्तों. और स्मैश करने के लिए मुझे कुछ मिला नहीं है, तो ये दोस्तों सी अगेन, दिस इज अगेन मराठी वस्तु. इसको बोलते हैं वरवंटा, वरवंटा ना, वो जूने लोग मसाला पीसते थे ना दोस्तों, पाट, पाट के ऊपर वरवंटा ना, इसको क्या बोलते हैं याद नहीं आया दोस्तों, सॉरी दोस्तों. आपको पता होगा ये जूने हमारे दादी मम्मी के टाइम पे ये सब करते थे ना, मसाला इस पे पीसते थे, मिक्सर नहीं होता था, मसाला इस पे पीसते थे. तो मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, ऐसा लहसुन को रखूंगा, ऐसा लहसुन को रखूंगा दोस्तों मैं इसको. और ये चपाती का इसको मैं इसे ऐसा मैं इसको चेचूंगा, बारीक करूंगा. ओके और फिर हम ये क्या करेंगे दोस्तों, ये हम कड़ाई में डालेंगे. तो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है. ये मैं लहसुन को चेच रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास कुछ बर्तन पता नहीं वो कैसा, वो कूटना कूटते ना कूटते वो मुझे पता नहीं, लहसुन को कैसे कूटते वो बर्तन नहीं मिल रहा. तो दिस माय जुगाड़ू स्टाइल, लहसुन को कूट रहा हूं दोस्तों, कूट रहा हूं. सो दोस्तों ये जो धनिया मिर्ची और अदरक जो है इसका हमें इसको हमें ग्राइंड करना है, इसका मसाला बनाना है दोस्तों, हरा मसाला बनाना है. तो आपको मैं भी लेके चलता हूं हमारे मिक्सर की तरफ. आइए मेरे साथ मिक्सर की तरफ वळते हैं. अगेन वळते इज अ मराठी वर्ड, वळला मीन्स उस दिशा में जाते हैं. तो आइए मेरे साथ हम मिक्सर की तरफ जाते हैं. सो गाइस ये रहा हमारा मिक्सर, अब इसको मैं इसमें डाल के इसको मैं ग्राइंड करूंगा. पुट इट ऑन. देख सकते हो ये ग्राइंड तो हो चुका है. मिर्ची है ना दोस्त, मिर्ची का धुआं आ रहा है. दोस्तों ये मुझे कुछ पता नहीं है, मैं अपने तरफ से जितना जमेगा अच्छा कर रहा हूं. सो दोस्तों आप देख सकते हो ये मैंने ग्राइंड करके लाया है.
हरा मसाला घर पे बनाए क्या। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस कढ़ाई में हम तेल डालेंगे दोस्तों। तेल के अंदर हम पहले लहसुन डालेंगे दोस्तों। तो अभी आपको मैं दिखा दो आगे का प्रोसीजर, प्लीज फॉलो मी। अब मैं डालने वाला तेल दोस्तों, ये मैं डालू तेल, आई थिंक इतना बस है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं अपने अंदाज से डाल रहा हूँ। आधा किलो चिकन के लिए, सुखा चिकन के लिए दोस्तों मैंने इतना तेल लिया है। नॉर्मली वो थोड़ा फ्लैट जैसा कर्व वाले बर्तन में बनाते, लेकिन मेरे पास है नहीं तो मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ दोस्तों, नो प्रॉब्लम। और दोस्तों मम्मी दोपहर में आज बोल ही रही थी कि बेटा एक काम कर मेरे लिए, तू सुखा चिकन लेके आ। तू जहां से किधर से लेके आता था ना पहला सुखा चिकन या जो भी चिकन वाले आइटम, मुझे खुद को याद नहीं मैं क्या लेके आता किधर से। तो मम्मी को बोला रुक, तेरा बेटा आज खुद बनाएगा सुखा चिकन। दोस्तों इससे फायदा आज ये होने वाला है मुझे भी और मम्मी को, मम्मी को ये फायदा होगा कि उसको चिकन खाने मिलेगा, और दूसरा फायदा मुझे ये है कि मैं जो चिकन बना रहा हूं अगर इस ये बकवास बनाए या थर्ड क्लास बनाए अच्छा नहीं बना, तो इसकी जो इज्जत है वो मेरे साथ रहेगी और आप लोगों के साथ रहेगी, और किसी के पास नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा दोस्तों, सिर्फ आप मैं मम्मी आप, हम तीनों को पता चलेगा और दुनिया में वर्ल्ड में किसी को नहीं पता चलेगा। मैं करेक्ट बोल रहा हूं दोस्तों, कमेंट करके बता रहा मैं करेक्ट बोल रहा हूं कि नहीं। ओके तो तेल गर्म हो दोस्तों, तेल गर्म हो दीजिए। व्लॉग्स में दूसरों के व्लॉग में देखते ना कितना इजी लगता है ना, तेल डालो ये करो वो करो, सब तेलाओ ढहराओ सहलाओ सब ये करो वो करो, और खुद जब बनाने जाते हैं तो वाट लग कहां से पसीने छूटे दोस्तों। एंड दोस्तों इस सामग्री में ये भी आपको चाहिए, ये आपको मुंह भी पोछने के लिए, आपके पसीने में से निकलेंगे ना दोस्तों, तो मैं इसको मैं पॉकेट में रखता साइड में। सो दोस्तों आई थिंक सो तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम लहसुन डालेंगे। लहसुन मेरा हिंदी इंग्लिश मराठी सब मिक्स है, संभाल के लेना। ओके तो ये लहसुन जो मैंने कूटा हुआ था, जो मैंने मराठी में क्या बोला था, मैंने चेचा था लहसुन, कूटा हुआ लहसुन, स्मैश्ड लहसुन, दिस इज द लहसुन गार्लिक, आई एम नाउ पुटिंग इट इन ऑयल। ओके नो प्रॉब्लम, ऑयल इज गुड, नो प्रॉब्लम, ऑयल इज वेल, पुटना नहीं मेरा भाई, पुटना नहीं गुड। ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम दोस्तों, अपने आगे और हाथ को संभालेगा दोस्तों, ये प्रोसीजर जो मुझे थोड़ी भयानक लग रही है। इसमें लहसुन इतना डालो तो अच्छा है, ठीक है। अच्छा बाय द वे गाइस, ये जो मैं डिश जो बनाने जा रहा हूँ सुक्का चिकन, ये हमारे एक यूट्यूबर है, उनका नाम है क्रेजी फूडी रंजीता। सो गाइस गिव अ शाउट आउट टू क्रेजी फूडी रंजीता, एंड उनके उनके चैनल पे जाके मैंने ये ब्लॉग देखा था, उनकी सासू माँ है टेंशी रंजीता, जो है उनकी सासू है सास, उन्होंने ये डिश बनाया था उनके ब्लॉग पर। सो काफी धन्यवाद, थैंक यू, तुम्ही दाखवला म्हणून आम्ही करतो आहे, धन्यवाद मंडळ आभारी आहे। और दोस्तों क्रेजी पुरी रंजिता शी इज फ्रॉम पालघर, अपने पालघर से दोस्तों उनके सब उनके चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उनके वीडियोस देखिए, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं दोस्तों, वो फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, कुकिंग व्लॉग्स बनाते हैं दोस्तों, हर डेली उनका कुछ ना कुछ कुकिंग व्लॉग होता है दोस्तों। गाइस अभी अपना लहसुन इसमें गर्म हो चुका है, उनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा दोस्तों, आणि काकी धन्यवाद, थैंक यू तुम्ही दाखवल्याबद्दल हा व्हिडिओ। आज मी प्रयत्न करतोय, मला जेवण बनवता येत नाहीये, तुमचा व्हिडिओ बघून मी बनवतो आहे जेवण, तर धन्यवाद काकी। गाइस आई थिंक सो लसूण लाल हो चुका आहे, थोडं गॅस को मैं कम करता हूं। ओके ये बनाने का फायदा ये दोस्तों कि मेरी इज्जत घर पे रही, मम्मी तक ही रही, यूट्यूब पर डालूंगा तो सबको पता चलेगा ना, नो प्रॉब्लम, सबको पता चले तो। सो गाइस ये देखिए लसूण गरम लाल हो चुका है। ओके कैमरा मैन मैं खुद ही हूँ, ऑपरेट कर रहा हूँ, सब मैं ही कर रहा हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों मैं उनका एक बार फिर से वीडियो देखता हूँ, उसमें क्या आगे बोला क्वेश्चन, मैं आपको फिर से बता दो। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने हरा मसाला जो बनाया है, कोथमीर अदरक और मिर्च को हम इसमें डाल देंगे। निकल रहे पापा, मैंने इसमें डाल दिया है हरा मसाला, थोड़ा गैस को मैं कम करता हूं, मुझे ऐसा इसमें भूचा लगा, तो काला काला दिख रहा है मेरे को। ओके नो प्रॉब्लम,
इसमें फिर गाइस हमें डालना है, एक मिनट मेरे लिस्ट मैंने इसमें पढ़ के बताता हूँ आपको, मसाले डालना है दोस्तों, तो इसको मैं कम करता हूँ। 2 चम्मच मसाला घर का मसाला होगा, अभी हम लोग तो घर पे मसाला बनाते नहीं, हम लोग दुकान से लाते हैं, तो ये मालवनी मसाला है, तो मैं इसको 2 चम्मच डालता हूँ। वन दिस इज मालवनी मसाला, ओके चिम। एंड देन गरम मसाला दोस्तों डालना है, गरम मसाला 1 चम्मच डालना है, तो ये है गरम मसाला दोस्तों, गरम मसाला 1 चम्मच। और क्या है, हल्दी दोस्तों, हल्दी डालना है, ये हल्दी 1 चम्मच डालना है दोस्तों, ये हुई हल्दी। हल्दी के बाद में कश्मीरी, कश्मीरी दोस्तों ये कश्मीरी मसाला है, कश्मीरी मसालों को मैं 1 चम्मच कश्मीरी मसाला दोस्तों, तो ये है 1 चम्मच कश्मीरी मसाला, दिस इज 1 चम्मच कश्मीरी मसाला। सब लोग भगवान को प्रे करना मेरी मम्मी की तबीयत सेहत अच्छी रहे खाने के बाद में। अब इसे हम फिर से स्टर करेंगे, ढवड़ेंगे ढवड़ेंगे, पता है ना ढवड़ेंगे, लास्ट ब्लॉग में आपको मैंने सिखाया था ढवड़ेंगे, और गैस को थोड़ा मध्यम आंच पे रखेंगे दोस्तों। ये ब्लॉग शायद आपको ना मैं 2nd या 3rd of January को मैं डालूंगा यूट्यूब पे, टेस्ट के अनुसार दोस्तों हम इसमें नमक भी डालना है, तो मैं 1 चम्मच नमक डाल देता हूं उसमें, 1 चम्मच बस होता है क्या, मुझे पता नहीं है, देर डाल दू, नो प्रॉब्लम, कम डालो चलेगा, ज्यादा मत डालो भाई, अगर कम लगे तो बाद में डाल सकते हो। सुक्का चिकन, सुक्का चिकन, चिकन। अब दोस्तों मसाला सब मिक्स हो चुका है, एकदम जहरीला मसाला मुझे लग रहा है दोस्तों, एकदम आपको मैं दिखाता हूं नजदीक से, आता हूं चीज एकदम जहरीला दोस्तों, प्रे कीजिए मेरी मम्मी की सेहत अच्छी रही खाने के बाद। अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों चिकन, ओके दिस इज चिकन, 1/2 kg ऑफ चिकन, एक्चुअली दोस्तों सुखा बन चुका, एक्चुअली इसमें थोड़ा पानी डालना चाहते हैं सोचिए दोस्तों, देखेंगे आप नजदीक से, आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए क्या हो रहा है, अपना चिकन सुखा चिकन, इसमें दोस्तों थोड़ा सा मैं पानी डालता हूं, ओके मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है दोस्तों, आई थिंक सो मुझे ना वो फ्लैट वाला सब बर्तन लेना चाहिए था ना, ये थोड़ा गोल है, सब ऊपर ऊपर है, पकेगा ना इसमें। सो दोस्तों इसे अब हम 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, और ये हम इसे कवर कर देंगे, आपको मैं और थोड़ा नजदीक से दिखाता हूँ दोस्तों कैसा लग रहा है, देखिए टेस्टी, सी दिस, वाओ क्या उबल रहा है दोस्तों, इसे मैं ढक रहा हूं, ये थॉर का लग रहा है, थॉर, थॉर नहीं कौन, मिस्टर कैप्टन, कैप्टन अमेरिका, अच्छे से पकना, सेहत से पकना, सबको अच्छा बॉडी बनाना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो गाइस मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद, और दोस्तों अभी हम देखते हैं ये बन चुका है कि नहीं दोस्तों, तो ये है, वूहू, बन चुका है दोस्तों, सुक्का चिकन दोस्तों, सुक्का चिकन दोस्तों, इसके ऊपर अभी हम थोड़ा कोथमीर को, धनिया, उसको धनिया होता है, कोथमीर थोड़ा हम डालेंगे ऊपर, ठीक है, और फिर हम इसे थोड़ा सा मिक्स करके इसको हम रख देंगे दोस्तों, और इट्स नाउ टाइम टू सर्व सुक्का चिकन टू माय मम्मी, ओके, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको बंद ही रखता हूं। सो दोस्तों ऐसे बनता है झटपट फटफट फटाफट लखपत अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये अमिताभ बच्चन कहां से घुस गया इसमें, तो दोस्तों ये ऐसा बनता है सुक्का चिकन डायरेक्ट फ्रॉम नट सम्राट किचन। अभी मैं जाऊंगा अपनी मम्मी को ये डिश खाने को बोलूंगा, मम्मी को पूछूंगा, उसको रिव्यू लूंगा कैसा लगा, अभी मम्मी तो आपको लास्ट वीडियो में 15 मिनट को बताया था, वो बोलिए अच्छा बना है, मस्त बना है, लेकिन मुझे पता होगा कि ये कैसे बनाया है, तो मैं अपने सच्चे
अच्छे जो रिव्यू होंगे ना दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको ये अच्छा बनाए के लिए। तो दोस्तों आप भी ऐसे सरप्राइज दे सकते हो अपने घर पे, बिना किसी के हेल्प लिए खुद बना सकते हो दोस्तों। सो आई गो टू नाउ टू माय मेन हॉल एंड आई गो टू सर्व दिस सुखा चिकन टू माय मदर। और दोस्तों ये मैंने मेरे मम्मी के लिए प्लेट बनाई है, कैन सी दिस सुखा चिकन चपाती एंड नींबू। मिलते हैं भात हॉल में आप सभी के साथ, मम्मी के साथ रिव्यू लेने के लिए। चलो चलो जाते हैं। माँ ये हो गया अपना सूखा चिकन रेडी, दिस इज फॉर यू, टेस्ट करो और हमको बताओ कैसा बना है सूखा चिकन अपने घर पे पद्धतशील। मीट माय मदर, शी इज गिविंग मी अ रिव्यू ऑफ दिस सूखा चिकन। कैसा बना है, खोटा बोला है, सच्चा बोलेगा दोस्तों अपने ब्लॉग पे, क्या बोला आवड़ा कि नहीं, कुछ कम तो कुछ कम है तो बोल लेगा, अपने दोस्तों को बताने गए। अभी मुझे मसाले वगैरह कुछ पता नहीं है ना, तो मैं एक्सप्रेस भी कर पा रहा हूँ किसके वजह से क्या हुआ। तिखट वगैरह बराबर है, लहसुन से क्या थोड़ा बराबर सुक्का चिकन, सुक्का चिकन घरेलू सच्ची घटना आधारित दोस्तों, इसपे कोई फेक नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझे फिर से मन टेस्ट कर दो दोस्तों। सुपर एकदम जबरदस्त बना दोस्तों, इसपे आप थोड़ा लींबू डालोगे दोस्तों, क्या टेस्ट है, क्या टेस्ट है, क्या टेस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली माय लास्ट व्लॉग, कुकिंग व्लॉग ऑफ दिस ईयर इज सक्सेसफुल। धन्यवाद माता जी, आपने मेरा रिव्यू किया, धन्यवाद आपके चरण मिश्र जी। और दोस्तों ये है हमारा रिव्यू आज का, ये सुखा चिकन दोस्तों। आप व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, व्लॉग अच्छा रहेगा तो, अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा प्रेजेंटेशन करने का तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, मेरे इस वीडियो को शेयर की दोस्तों। और कैच यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन हास्ता ला विस्ता, जय हिंद जय महाराष्ट्र। हाथों को थरथर है, जय हिंद जय महाराष्ट्र, पिसा ब्रा, लेट्स गो, ये yeah.